गुलाबी रंग की चूड़ियां हैं, यह हम उस वजीर आजम अनवारुल काकड़ के लिए लेके आए हैं जो कहता है कि टू स्टेट सोल्यूशन है फलस्तीन का। चूड़ियां लेके आए हैं और ये उन ये जरा महंगे वाली वो तेल पैदा करने वाले इस्लामी ममालिक के लिए और ये तमाम सरबराहान के लिए और उनके जर्नैलों के लिए कि जनाब तुम्हारी फौजें किस काम की हैं, ये जो दर्जनों मुल्कों का इस्लामिक अलायंस तुम लोगों ने बनाया हुआ है ये किस काम के हैं कि अगर इस्लामी ममालिक की जो आर्मीज हैं वो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में तो जा सकती हैं, वो अलकुद्स पीस कीपिंग फोर्स क्यों नहीं बना रही, वो फलस्तीन के लिए क्यों नहीं जा रही, ये जो इनके जहाज हर साल करतब दिखाते हैं कि जहाज यूं जा रहा है तो यूं जा रहा है तो यूं जा रहा है, वो फलस्तीन का रुख क्यों नहीं कर रहा। और आज ये जो गुलाबी रंग की चूड़ियां हैं ये हम उस वजीर आजम अनवारुल काकड़ के लिए लेके आए हैं जो कहते हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन है फलस्तीन का। ये इनडायरेक्टली क्या कहा जा रहा है कि फलस्तीन को भी मान लो, इसराइल को भी मान लो। ये तो वही तमाशा लगाया हुआ है इन बुजदिलों ने, एक घर पे कोई बदमाश आके कब्जा कर लेता है और उधर दो बेटियां रहती हैं तो पंचायत आके फैसला करेगी कि जनाब मसले को मामले को निपटाने के लिए घर में टू स्टेट सोल्यूशन कर लो, एक बेटी आप रख लो एक बदमाश के नाम पे कर दो टू स्टेट सोल्यूशन के नाम पे। ये बदमाशी नहीं चलेगी। जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बरसगीर की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज किया था बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान कि इसराइल मुस्लिम अरब ममालिक के कल्ब में एक खंजर खोपा जा रहा है, तो कायदे आजम ने यह कहा था कि मुसलमान मुसलमाना ने हिंद मुसलमाना ने बरे सगीर कभी भी किसी सूरत में भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, तो तुम लोग कायदे आजम से बड़े फलसफी बनने की कोशिश ना करो अनवारुल काकड़ साहब, आप भी और इस्लामिक ममालिक के जितने भी ये फने खान बने फिर रहे हैं। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि देर इज नो टू स्टेट सोल्यूशन, देर इज ओनली वन स्टेट सोल्यूशन, दैट इज पैलेस्टाइन। वहां पर आप ज्यूज को भी जो पुराने थे क्रिश्चियंस को भी बेशक आबाद करें, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, इस्लाम सबको हक देता है, लेकिन रियासत रहेगी तो सिर्फ फलस्तीन की रियासत रहेगी। सुल्तान अब्दुल हमीद गाजी ने कहा था कि मक्का के हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है और मदीना की हिफाजत का जिम्मा रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम ने खुद लिया है, लेकिन अलकुद्स मस्जिद अल अक्सा बैतुल मकदस फलस्तीन इसकी हिफाजत का जिम्मा मोमिनीन मुसलमानों के जिम्मे है। क्या हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?